एक वो स्टूडेंट जो टॉप कर रहा है, जो अपने सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहा है, बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, तो वो क्यों ला पा रहा है? उसके वहां तक पहुंचने के पीछे के जो पांच बेसिक फैक्टर्स है ना, वो आपको डिकोड करके देने वाला हूं इस वीडियो में। ऐसा कहा जाता है ना कि इट्स हार्डेस्ट टू फॉलो द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, वही पांच सिंपलेस्ट थिंग मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत आसानी से की जा सकती है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जिस पॉइंट पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं ना, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस समय पे ये चीज जान लेना अपने आप में बहुत कुछ जान लेने के बराबर है। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा बोलता है ना कि समय निकल गया, तो वो समय नहीं निकलने देना है। आज जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आज ही समझो। मैंने लगभग मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, 7 सालों का एक्सपीरियंस एज ए टीचर है और एक स्टूडेंट हमेशा रहूंगा, तो वो जो एक एक्सपीरियंस गेन किया है वो आपके साथ शेयर करता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप रिलेट करोगे। जब भी एक एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है ना, जैसे अभी एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है 2023-24, हर साल एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, कोई 9th में आ रहा है, कोई 10th में आ रहा है, कोई 11th में आ रहा है, कोई 12th में आ रहा है, सब अलग अलग क्लासेस में जा रहे हैं, फाइन। और ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो सारी क्लासेस के लिए काम की होंगी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए काम की होंगी। अब मैं उसको एसएसटी स्पेसिफिक करके दे रहा हूं। अब बात आती है, क्या बात ये आती है कि 95% जो है ना, जैसे मतलब ये कोई सपना नहीं बेच रहा हूं मैं आपको, लेकिन एक बता रहा हूं, क्या हमेशा सोच के चलते 95% 95 से ज्यादा मार्क्स लाना है, ये सारी चीजें करना है। और जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, नए दोस्त, नए टीचर, नई क्लास, नई किताबें, तो उस समय पे वो उत्साह बहुत ज्यादा रहता है कि नहीं शुरू हो रहा है, ठीक है शुरू से शुरू करूंगा, बहुत अच्छे से सारा सब कुछ स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करके रखूंगा, रिविजन करूंगा, बार बार पढ़ूंगा। और उस उत्साह के साथ में, उस जोश के साथ में एकदम पम्प्ड अप होके डोपामिन हाई रहता है, पढ़ना शुरू करते हैं, तो 10 दिन तो ऐसा लगता है कि बस ये इंसान बहुत खतरनाक है, लेकिन वो 11वें दिन से वो ग्राफ डिक्लाइन होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है। और फिर जब हम दिसंबर जनवरी में पहुंचते हैं और पीछे लौट के देखते हैं, तो हमें लगता था कि काश वो दिन जब मैंने एकेडमी के स्टार्ट हुआ था और जिस उत्साह के साथ शुरू किया था वैसा ही सब कुछ चलता रहता, तो आज मैं पता नहीं क्या होता। आप शायद अपने आपके बेस्ट वर्जन अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट क्या होता है कि समय निकल गया होता, isn't it? अब आप बहुत सारे लोग रिलेट कर लोगे, हाँ सर ये समस्या है, ये शायद 9th में मेरे साथ हुआ था, जो अभी 10th में आया ये सोच रहा होगा, जो अभी 11th में वो सोच रहा होगा, मैंने 10th में ये सोचा था लेकिन अब 11th में ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन 11th में भी गलती करोगे। पॉइंट क्या है कि हम चाहते हैं कि वो ग्राफ हमारा ऐसा बढ़े, लेकिन वो ऐसा बढ़ने के चक्कर में ऐसा डिक्लाइन होता है। तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारा जे कर्व से ग्राफ ऊपर उठेगा कंसिस्टेंसी का, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कॉन्स्टेंटली भी काम करते रहोगे ना, वो इंटेंसिटी जरूरी नहीं है, वो कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, वो कॉन्स्टेंट तरीके से कैसे लगे रहें, और दिस इज द रियलिटी, आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, आपको कंसिस्टेंटली काम करना है बस, फाइन। आपको कंसिस्टेंटली काम करना है, रिजल्ट आपके फेवर में होगा, आप जो चाह रहे हैं वो हर चीज आपके फेवर में होगी, फाइन। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, क्या कि आप जिसे देखते हैं एक वो स्टूडेंट जो टॉप कर रहा है, जो अपने सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहा है, बहुत अच्छे नंबर ला रहा है, तो वो क्यों ला पा रहा है? उसके वहां तक पहुंचने के पीछे के जो पांच बेसिक फैक्टर्स है ना, वो आपको डिकोड करके देने वाला हूं मैं इस वीडियो में। अगर बात करें हम कि कैसे अपने आपको प्रिपेयर करें कि हम उस लेवल तक पहुंच जाए, कैसे अपने आपको प्रिपेयर करें कि उस लेवल तक पहुंच जाए, तो यहां जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो पांच ऐसी चीजें होंगी, वो पांच ऐसी चीजों की जो बहुत साधारण है। ऐसा कहा जाता है ना कि इट्स हार्डेस्ट टू फॉलो द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग्स, वही पांच सिंपलेस्ट थिंग मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत आसानी से की जा सकती है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन आप यही मिस करते हो और इस कारण शायद अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाते हो। वो पांच स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है, क्या करना है, और आज से किया जा सकता है, क्योंकि समय निकले बाद वो फिर आप पछताओगे, फाइन। तो सबसे पहली चीज तो ये है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं बहुत बेसिक चीज है, और शायद ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको आज से पहले 1000 बार बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं फिर एक बार और क्यों रिपीट करो, क्योंकि मैं आपको एक जगह समराइज करके दे रहा हूं, मैं आपको वो सबसे महत्वपूर्ण पांच बातें एक जगह समराइज करके दे रहा हूं जो मैंने आपको आज से 1000 बार पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार और सुनो और इन्हें अब नोट कर लो कि आपको यही करना है साल भर बस। क्या है? पहली चीज यह है कि आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स सारे दे दिए हैं, ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताते चलता हूं, रोड मैप देते चलता हूं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब कुछ, फाइन।
एनसीईआरटी से आपको अपना सिलेबस डिटेल, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी कि कोई नोट्स मिल जाए ऐसे कि शॉर्ट में काम हो जाए हमारा, कुछ ऐसा मिल जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, तो वो सारी चीजें भी काम करती है, ठीक है, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें भी काम करती है, लेकिन इस चीज का मजा ही अलग है, बिलीव मी, इस चीज का मजा ही अलग है। जिस दिन एग्जाम देने जाओगे बोर्ड एग्जाम वाले दिन, और जब तुम इस पहली स्टेप को फॉलो करके जाओगे ना कि तुम्हें पूरी एनसीईआरटी का सारा सब कुछ, हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबका सब कुछ पूरा सिलेबस पता है अच्छे से डिटेल में, तब तुम अपने आप को भगवान महसूस करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ आपको सब कुछ तो आ रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है, ठीक है, तो आप शॉर्टकट लेके नहीं जा रहे हो, फाइन। हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, देर आर, मतलब हम कह सकते हैं शॉर्टकट्स होते हैं, देर आर टेक्निक्स होती है, वहां पे आप टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिक्स लगा सकते हो, लेकिन जो हार्डवर्क होगा उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वो आपको अलग ही लेवल ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, और वो एक दिन में नहीं होगा, वो आपको साल भर शुरू से कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना है, अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है डिटेल में। कैसे, तो वही बताया मैंने, वीडियो मिल जाएंगे सारा सब कुछ, एनसीईआरटी की हर एक चीज कंप्लीट करना है, एवरीथिंग इज देयर, फाइन। तो ये सबसे पहला काम कीजिएगा, फाइन। अब ये करने के बाद में अगली चीज क्या होगी, अगली चीज होगी स्टेप टू होगा कि प्रैक्टिस। क्या हो रहा ना, दो चीजें हैं, मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया, बढ़िया मजा आया, ताली बजा दी, लेकिन उसका प्रूफ क्या कि जो आपने पढ़ा है वो आपसे बन रहा है, तो उसका प्रूफ ये है कि आप प्रैक्टिस करो। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, उन्हें सॉल्व करके देखेंगे कि आपसे बन रहे नहीं बन रहे, अपने आपको चेक करोगे, फाइन। तो ये उस तरह की चीज है क्या कि आपने किसी चीज को, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ किया है, अब उस पर क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप क्या उस क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हैं, फाइन। दिस इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट, हो सकता है आपको अच्छा लगे कितना बोरिंग पार्ट है कि मैं कैसे बार 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 प्रैक्टिस करूं, क्वेश्चन देखूं, लिखूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट याद है कैसे करें, तो कैसे करें, तो देखो यहां पे एनसीईआरटी हो गया आपका, एनसीईआरटी से आपने सारा सब कुछ पढ़ लिया, प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी अच्छा एक क्या ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, रेफरेंस बुक से आपका काम चल जाएगा। फॉर योर हेल्प मैंने एक रेफरेंस बुक निकाली है, तो आप इस रेफरेंस बुक का मदद ले सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, ये एडुकार्ड के साथ वाली जो बुक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस की मदद से आपको क्या मिल जाएगा, वो प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हमारी प्रिपरेशन का पहला पार्ट क्या रहेगा कि हमें सिलेबस बहुत डिटेल में कंप्लीट करना है, दूसरी चीज ये रहेगी कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना है। अब देखो क्या है, सिर्फ इतना पार्ट, ऐसा नहीं कि आप चिट्टी रोबोट हो कि एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक बार आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो सारा काम बन गया, नहीं, उसके बाद में अगली चीज क्या रहेगी, उसी के पैरेलल में आप जो पढ़ रहे हैं, तो अगर दो कदम आगे बढ़ रहे हो तो एक कदम आपको पीछे आना है, ठीक, मतलब दो तीन चैप्टर पढ़े हमने तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि चौथा भी पढ़ ले पांचवा भी पढ़ ले, पहले जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो। एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। अगर आप बहुत ज्यादा फैलाते जाओगे लेकिन उसको समेट नहीं पा रहे हो तो किसी काम का नहीं है, तो आपने जितना पढ़ा उसको कंसोलिडेट करो। स्टेप थ्री रहेगी कि आपने जितना पढ़ लिया है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उनको रिवाइज करते रहो। हफ्ते में छह दिन पढ़ रहे हो, सातवें दिन सिर्फ रिवाइज करोगे, पांच दिन पढ़ रहे हो, दो दिन सिर्फ रिवाइज करो, आगे कब बढ़ेंगे कोई जल्दी नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो पर्याप्त समय रहेगा, बहुत पर्याप्त समय रहेगा, ठीक है। तो जितना पढ़ रहे हो स्टेप थ्री में उसको बार 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 रिवाइज करते चलो। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आप सोच रहे हो यहां सर ये तो बहुत सिंपल है, पॉइंट ये है कि मैंने क्या बताया कि जो सिंपलेस्ट चीजें होती है ना वो हार्डेस्ट होती है करने में, तो आपको बस वो करना है, बहुत मतलब बेसिक्स, बी ब्रिलियंट विद बेसिक्स, रेस्ट विल फॉलो इवेंचुअली, बाकी की चीजें अपने आप आपके सामने आते चले जाएगी, आपको बहुत बेसिक्स पे काम करना है, ठीक है, बार बार रिविजन करते चलना। अब इसके पैरेलल में क्या है, इसके पैरेलल में एक चीज होती है क्या कि जब आपने पढ़ लिया सब कुछ, स्कूल वाले भी पैसे ले रहे हैं आपसे, तो यही तो काम करेंगे ना, अल्टीमेटली आपको चेक भी करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो स्कूल में क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफयरली एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, और हम क्या सोचते हैं, अभी तो मैं एक दिन पढ़ूंगा, पूरा अच्छे सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एग्जाम दूंगा, आज तो बीमार हो जाता हूं, क्यों, क्योंकि आज मुझे देना नहीं है टेस्ट, फाइन। वो डर हमें तब तक ही डराता है जब तक हम उसकी आंखों में देख के उसे ना डरा दें। तो जब भी तुम्हारे सामने क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम आए, नहीं पढ़ाए तो भी अटेम्प्ट करो। पॉइंट बिंग, हारने और जीतने से ज्यादा जरूरी है खेले हम, फाइन। तो यहां पे स्टेप फोर में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आज तुम्हें एसएसटी की कसम है क्या कि जितने भी साल में टेस्ट होंगे उन्हें सबको कॉन्फिडेंटली अटेंड करना, क्यों, क्योंकि उससे शायद आप नंबर नहीं लाओगे लेकिन उससे आप एक एक्सपीरियंस कैसे फेस करना है चीजों को वो सीखोगे, और अल्टीमेटली जिस दिन बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा, जिनका बोर्ड एग्जाम नहीं है, जिनका फाइनल एग्जाम होगा, तो उस फाइनल एग्जाम में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे हारने जीतने से ज्यादा जरूरी ये है कि खेलते आता है, उसे फेस करते आता है, फाइन। तो चौथा स्टेप ही रहेगा आपका कि आप जितना पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, उसके बाद में जो भी आपके सामने टेस्ट वगैरह आएंगे उन्हें अटेम्प्ट करना। और पांचवा स्टेप जो रहेगा लास्ट, वो क्या रहेगा,
सॉल्व मैक्सिमम सैंपल पेपर्स। फाइन, जैसे आपने देखा होगा ना कि फ्रेंडली मैच होते हैं, नेट प्रैक्टिस होती है, क्यों होती है? फाइनल मैच में खिलवाओ डायरेक्ट नहीं, वो फ्रेंडली मैच, वो नेट प्रैक्टिस जो है वो फाइनल मैच के लिए तैयारी करवा रही होती है। तो जैसे मैंने बताया कि आप स्कूल में तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप, आपके एंड पे बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करना, और सैंपल पेपर अभी नहीं तो पहले तो आप जैसे देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर तक आपका ये वाला पार्ट चल रहा है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, जैसे मैंने एग्जाम पैक वाले वीडियो लेक्चर्स बनाए उनकी मदद से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखो और रिवीजन करते रहो। तो ये अक्टूबर नवंबर तक आपका ये वाला पार्ट, नवंबर एंड तक ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पैरेलल में आपके टेस्ट चल रहे हैं, और फिर दबा के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना करने के बाद में, और देखो क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है लेकिन पॉइंट ये कि वो कंसिस्टेंटली जो कर गया वो कर तब कर गया, ठीक है? तो आपको वो कंसिस्टेंटली करना है बस। और मैं फिर आपसे वादा कर रहा हूं कि कैसे नहीं आपके सपने पूरे होंगे, जो भी आप सोच रहे हो, आप 99 सोच रहे हो, 99 सोच रहे हो ना, वो 99 आएगा। पॉइंट बीइंग कि सपने आपके, मेहनत आपकी, ठीक है, वो आपको करना होगा, बाकी उसके अलावा मैं आपके पीछे, जब आपको जरूरत लगेगी पीछे मुड़ के देखना, आई विल बी स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है? तो मिलके साथ में शुरू करते हैं, बहुत सिंपल चीजें थी, इनको, इन पे काम करना शुरू कर दो। और आज बोलने का मकसद ये है कि मैं आज आपको ये एहसास दिला दूं कि हाँ अभी समय है, अभी से जाग जाओगे ना तो वो बाद में रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? रिस्क ले, मतलब रिस्क तो है नहीं यहाँ पे, कुछ विन-विन सिचुएशन है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना बहुत अच्छा होता है, ना कि बाद में हम उसके नाम से रिग्रेट करें, समझ गए? तो होप टू सी यू इन अपकमिंग सेशंस। फाइन, पढ़ते रहो मस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। एनसीईआरटी हो गया, मेरी रेफरेंस बुक हो गई, रिविजन तुम्हारा हो गया, फाइन। और मिलके साथ में इस बार क्या कर देंगे, हम झंडे गाड़ देंगे, फाइन। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।